सामाजिक बैठक में मारपीट करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही करने, ग्रामीणों ने पखांजूर थाने में किया मामला दर्ज। ग्राम पंचायत बलरामपुर के पीवी 61 का घटना। घटना दिनांक 3 जून शुक्रवार को समय 11 बजे सार्वजनिक स्थान पीवी 61 एक सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम पीवी 61, 63, 66, 60 के विभिन्न गांव के समाज प्रमुख उपस्थित हुए थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्राम पीवी 61 के निखिल ताला, पिता हरिदास ताला, जो कि तापस मजूमदार के पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग के चलते घर से भाग जाना तथा वापस गांव में आकर थाने में जाकर आत्मसमर्पण करने के पश्चात दोनों परिवारों में आपसी सहमति से समझौता हेतु सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया था, परंतु बैठक में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों द्वारा समझौता हेतु चर्चा चल रही थी कि अचानक महिला के पति तापस मजूमदार द्वारा निखिल ताला एवं उक्त महिला पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बीच बचाव करने गए कुछ व्यक्तियों को चोट पहुंची। इस हमले में निखिल ताला, सुधीर ताला, पुष्पा नामक महिला को गंभीर चोट आई, जिसको 108 के सहायता से पखांजूर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां दो व्यक्ति निखिल एवं सुधीर को गंभीर चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार करने के बाद कांकेर जिला अस्पताल में भेज दिया गया। वहीं महिला पुष्पा का इलाज पखांजूर सिविल अस्पताल में चल रहा है। गांव के सरपंच जयदेव मंडल एवं ग्रामीणों द्वारा उक्त मामले को लेकर पखांजूर थाने में लिखित शिकायत की। मामला गंभीर होने से पखांजूर पुलिस जांच में जुट गई। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्रामीणों द्वारा पखांजूर थाना प्रभारी को कहा कि मामले को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मारपीट करने वाले व्यक्तियों द्वारा पूर्व में ही सुनियोजित प्लान था, जिसको देखते हुए उन व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही की जाए। हमला एवं मारपीट करने वाले कुछ व्यक्तियों का नाम इस प्रकार सामने आ रहा है: तापस मजूमदार, पिता श्याम मजूमदार, स्वपन मजूमदार, पिता पंचानन मजूमदार, आशुतोष मजूमदार, पिता श्याम मजूमदार, नेपाल मजूमदार, पिता राम मजूमदार, पारितोष मजूमदार, पिता श्याम मजूमदार, प्रशांत पिता पंचानन मजूमदार, शिवनाथ मजूमदार, पिता पंचानन मजूमदार, श्याम मजूमदार, पिता वीरेंद्र मजूमदार, मंजू मजूमदार, पति श्याम मजूमदार, तपन मजूमदार, पिता श्याम मजूमदार, साथ में तापस के परिवार भी शामिल थे। क्या नाम है आपका? अधित ताला। क्या हुआ है आपके परिवार के जोड़ी को? हमारा परिवार के साथ बहुत मारपीट किया है। इन लोगों ने मारपीट किया? वो हमारा गांव का मजूमदार परिवार ने। किस वजह से? वो एक तो मीटिंग था, वो हमारा भाई जो तो काम किया था उसी के लिए। नहीं, पूरा हमारा भाई जो उसको घर परिवार के तो बहुत को ले गया था, इसीलिए उसको थाना में आया था। थाना में समझौता हो गया था, गांव वाले क्या बोला, हम लोग थोड़ा गांव में बैठक बुला रहेंगे, तुम्हारा भाइयों को बुलाना, तुम लोग जिसको जिसको मर्जी है उसको बुला लेंगे। तो हम लोग पूरा आंसर मीटिंग बुलाया था, पांच गांव का मुख्य लोग उसके अंदर उन लोग थोड़ा बातचीत कर रहा था, आसान से उन लोग आके मारपीट चालू कर। किस किस को मार है? मेरा भाई, बड़ा भाई को, मेरे छोटा भाई को और मेरे भाभी को। मारने के बाद क्या हुआ है? मारने के बाद वहाँ से मारपीट किया था, हम लोग एम्बुलेंस भी लाया, एम्बुलेंस भी नहीं, 108 भी लाया था। लाने के बाद यहाँ भर्ती किया, डॉक्टर लोग भी थोड़ा देख रहे थे, इलाज उलाज कर रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति है उन लोग का? उन लोग का अभी बहुत गहरे। क्या नाम है आपका? जयदेव मंडल। क्या परिचय आपका? मैं ग्राम पंचायत बलरामपुर का सरपंच। क्या हुआ है आपके पंचायत में? एक सामाजिक बैठक बुलाया गया था, तो बैठक में क्या है, दो पक्ष थे, तो उसी में थोड़ा भीड़ भाड़ में हाथापाई हुआ है, तो जिसमें चार लोग घायल हो चुके हैं गंभीर तरीके से। घायलों की स्थिति कैसा है? घायलों का स्थिति, दो लोग का स्थिति ठीक है और दो लोग को तुरंत रिफर करने के लिए। विवाद होने का वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह क्या है, अब देखिए पक्ष और विपक्ष वाले तो रहते ही है, उसी में और पहले जो घटना हुआ है उसके चलते ही मारपीट का सिचुएशन आ गया। क्या घटना हुआ है? सामाजिक जो समझौता आपको अलग ना पसंद।